राजस्थानी फिल्म आपा ने बेटी बचानी है के कलाकार बुधवार को फतेहपुर जेआरसी सिनेमा हॉल में पत्रकारों से रूबरू हुए। फिल्म के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थानी भाषा में बनी फिल्म आपा ने बेटी बचानी है की शूटिंग शेखावाटी सहित अन्य जगहों पर हुई है। इस फिल्म में बेटी बचाने का संदेश दिया गया है तथा भ्रूण जांच आदि स्कैंडल के बारे में बताया गया है। शेखावाटी की धरा पर बनी यह फिल्म वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई से संबंधित है एवं फिल्म में कई स्थानीय व मुंबई के कलाकारों ने भी अभिनय किया है। राजेंद्र सिंह शेखावत ने फिल्म को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 12 जनवरी से फिल्म को फतेहपुर के जेआरसी सिनेमा हॉल में दिखाया जाएगा। फिल्म को लेकर यहाँ के लोगों में अभी से उत्साह नजर आ रहा है। इस दौरान सिनेमा हॉल के प्रबंधक प्रकाश पुरोहित सहित अनेक गणमान्य जनों ने फिल्म के निदेशक राजेंद्र सिंह का स्वागत किया। जेआरजी मूवी पैलेस में राजस्थानी भाषा की फिल्म आपा ने तो बेटी बचानी है 12 जनवरी 2018 से प्रदर्शित की जाएगी। यह फिल्म रोजाना 200 में यहां दिखाई जाएगी सवेरे 10:30 बजे और उसके बाद में 12:30 बजे से। यह फिल्म बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का संदेश देने के साथ साथ वर्तमान में जो चिकित्सकों द्वारा फर्जी सोनोग्राफी करके भ्रूण हत्या की जा रही है उसका वो उजागर कर रही है। इस फिल्म में 6 गीत हैं, संगीत राजेंद्र जी सरनोद ने दिया है, मुख्य भूमिका में नागेंद्र और अलिसा सोनी हैं। क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है फिल्म का? बेटी बचाने का संदेश देना और जो वर्तमान में जो चिकित्सक लोग हैं और एजेंट टाइप की जो महिलाएं हैं जो कि कन्या भ्रूण हत्या करवाने का काम कर रही हैं उनको पुलिस के माध्यम से पकड़वाना इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य है। ये फतेहपुर में कब से कब तक चलेगी? ये 12 जनवरी से यहाँ प्रदर्शित की जाएगी 2 शो सवेरे 10:30 बजे और उसके बाद में 12:30 बजे। इस बारे में कोई सरकार मानते हुए 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जो कि बहुत ही कम है। मैं आपको बताऊं यू फिल्म प्रमाण पत्र को 10 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है खुद एक महिला होकर क्या राजस्थान की मुख्यमंत्री खुद महिला है, बेटी बचाने का संदेश देने वाली फिल्म है, खुद मुख्यमंत्री का इसमें हवाला दिया गया, राजस्थान सरकार की ओर से बेटी बचाने और पढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका खूब बखान किया गया है, उसके बाद भी सरकार ने मात्र 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जो कि बहुत ही कम है। पूरा 10 लाख रुपया इस फिल्म को मिलना चाहिए। राजस्थान में जो राजस्थानी फिल्में बन रही है उनको भी बढ़ावा नहीं मिल रहा है तो सरकार का क्या रुख रहता है? सरकार खुद ही ध्यान नहीं दे रही है। अब देखिए 10 लाख रुपए यू प्रमाण पत्र फिल्म को मिलने चाहिए थे और मात्र 3 लाख रुपए दिए तो निर्माता निर्देशक कहाँ जाएंगे राजस्थानी भाषा में? सरकार को पूरे 10 लाख रुपए अगर घोषणा किए तो देना चाहिए या फिर बताना चाहिए कि ये फिल्म में ये कमी है जी।